अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद असलम दानिश आपका मेजबान। बसव कल्याण में यूथ कांग्रेस कमेटी की जानिब से पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया और उनके साथ इंसाफ करने और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया गया। आज बसव कल्याण के गांधी चौक में जो हमारे न्यूली इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट यूथ के कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब की जानिब से और पूरी यूथ टीम बसव कल्याण कांग्रेस पार्टी की ओर से एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज ही की डेट पर यानी 14 फरवरी 2019 को एक पुलवामा में एक सीआरपीएफ जो जवान है उनके ऊपर अटैक हुआ था और इसमें बहुत से लगभग 40 जो है जवान शहीद हुए थे और हमारे देश को अपनी जान समर्पित की थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यूथ कांग्रेस की पूरी टीम की ओर से जो है आज एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो हम फिर एक मर्तबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर एक मर्तबा डिमांड करते हैं कि इसका और एक मर्तबा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी खातिल हैं जो भी टेररिस्ट हैं उनको इमीडिएट जो है अरेस्ट करके उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए।